आइए अब आपको दिखाते हैं आपका गुड लक कैसा रहेगा, आपका भाग्य देखिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की गुडलक में। हर रोज की तरह मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव थोड़ा विचित्र होता है, पूरे संसार में इसका प्रभाव पड़ता है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शनि महाराज जिस प्रकार से नया खेल खेलने का जो अवसर आ रहा है बड़ा विचित्र है। शनि महाराज वक्र गति से चलते हुए बड़ी स्पीड से वक्र गति में चल रहे हैं और फिर पुनः 2020 वाला युग बनाने वाले हैं। कोरोना फिर सिर उठा सकता है। जी हाँ, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना को भूल चुका है, लेकिन अंदर खाने कोरोना पूरे भयावह तरीके से वापस आने के योग बना रहा है, तो ऐसे में हम सबको सावधान रहना है। आज हम इस विषय पर भी बात करने वाले हैं कि आने वाले समय में ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव कैसा रहेगा और शनि के जो परिवर्तन के साथ साथ बड़ी तीव्र गति से शनि परिवर्तित होते हुए वक्र गति से चलते हुए मकर राशि की तरफ भागते चले जा रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे नक्षत्रों पर हमारी राशियों पर क्या पड़ने वाला है, ये सारी बातें हम करेंगे। और साथ साथ आज निर्जला एकादशी भी है। निर्जला एकादशी के दिन कैसे हम अपने जीवन में पुण्यों का उदय कर सकते हैं। एकादशी एक अद्भुत अवसर है भगवान की आराधना करके, भगवान जो पालक है भगवान विष्णु उनकी आराधना करने का दिन है। यदि कोई और व्रत नहीं करते हैं तो कम से कम एकादशी का व्रत करें। मामे करेंगे कल्याण, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, दशमी तिथि है, उसके बाद एकादशी का आगमन हो जाएगा। शुक्रवार का शुभ योग है, एकादशी बन जाएगी और निर्जला एकादशी का योग बन जाएगा। चित्रा नक्षत्र आज विद्यमान है, बड़ा महत्वपूर्ण वरियान नाम का योग बन गया है। चंद्रमा कन्या राशि के उपरांत शाम को 4:01 पर तुला राशि पर आ जाएंगे और बड़ा शुभ मुहूर्त बनेगा आज 11:59 से लेकर 12:53 तक का ये शुभ मुहूर्त है, इसका लाभ ले लीजिए। वहीं राहु काल 10:45 से लेकर आज रहेगा 12:26 तक। शुभ समृद्धि के लिए, आनंद के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए आज का दिन विशेष तौर पे योग बना रहा है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के दिन गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा खास उपाय कर लेना चाहिए, बहुत सुंदर उपाय है। 5 सुपारियां ले लीजिए और 3 जो गांठ वाली हल्दी, थोड़े से चावल लेकर, 1 सिक्का पीले वस्त्र में लपेटकर एक पोटली बना लीजिए और महालक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण का जहाँ पर, वहाँ भगवान विष्णु के समर्पित के मंदिर में समक्ष होकर इस चीज़ को अर्पित कर दीजिए। वहाँ पर देखिएगा कल्याण के योग बनेंगे, अद्भुत योग बनेंगे, जीवन में सब कष्ट दूर होंगे। देखिए, विश्व में पुनः ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। शनि महाराज आज से करीब करीब 10 दिन पहले वक्र गति प्राप्त हो गए, वक्र गति में आ गए हैं, यानी सीधी रास्ते में चलते हुए, सीधी चाल चलते हुए फिर पुनः वक्र गति को अपना लिए हैं। और ये गति जो है ना वो कहाँ ले जा रही है, पुनः 2020 वाली स्थिति यानी मकर राशि की तरफ, जहाँ से निकले थे शनि वहीं वापस जा रहे हैं। जिन लोगों के बिल्कुल स्वस्थ थे, बढ़िया थे, लेकिन फिर भी हल्का सा ग्रहों का परिवर्तन भाग्य कहाँ से कहाँ फंसा देता है। शनि महाराज मकर राशि में पुनः जाएंगे और ऐसे में कोरोना का खेल फिर शुरू हो सकता है। केसेस आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग उसे ग्रसित होते चले जा रहे हैं, विभिन्न देशों में इसके योग बनने शुरू हो गए हैं। तो आप सावधानी के साथ सब काम करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय ये रहेगा, शनि के मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, आपके परिवार की रक्षा होगी, कल्याण के योग बनेंगे। हो सके तो आज के दिन चावल का दान कर दीजिए, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। निर्जला एकादशी है, कल्याण के योग बनेंगे। अब समय हो गया है राशि के अनुसार से बात करने का। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ग्रह योग क्या दिखा रहा है। मामे करेंगे कल्याण, मेष राशि वालों आज का दिन आपका अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। कामकाज के सिलसिले में थोड़ा सा ग्राफ परेशान कर सकता है, ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है ग्राफ। यदि व्यापार करते हैं तो लाभ होगा, ग्रस्त जीवन में हल्का फुल्का तनाव आपको परेशान कर सकता है, परंतु भाग्य आपके साथ है। देखिए, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत, फिर चिंता किस बात की, लेकिन उपाय कर लीजिएगा। किसी बड़े काम के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी ले लीजिए, ये उपाय ही तो है। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। आज किसी मंदिर के बाहर मीठे जल का वितरण करने की व्यवस्था करें, एकादशी है, बड़ा ही शुभ योग बनेगा। मामे करेंगे कल्याण, वृक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन बढ़िया रहता दिखाई दे रहा है, परिवार लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, काम के सिलसिले में समय अच्छा रहेगा, अवसर आपको अच्छे प्राप्त होंगे। ग्रस्त जीवन में थोड़े से तनाव में चल रहे हैं, उससे मुक्ति मिलने के योग बन सकते हैं। सेहत परेशान कर सकती है, सावधान रहें, इनकम बढ़ेगी। आपके लिए उपाय जो है वो बताते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, नीला रंग आपको लाभ देगा। गायत्री मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण, बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूँ। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि कार्यक्रम लाइव है और आपके प्रश्नों का समाधान हम आपको दे सकते हैं। बाकी सारे कार्यक्रम आप देखते होंगे, पंडित जी बताते हैं, आप सुनते चले जाते हैं। अरे, यहाँ आपसे हम सामंजस्य बिठाते हैं।
लिंक है आपका डायरेक्टली, फोन आपके हाथ में है, उठाइए, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, अपने प्रश्न को भेज दीजिए। जैसे हमारे पास उज्जैन से अभी प्रश्न आ गया है आशु जी का, और उन्होंने लिखा है अपनी कुंडली के बारे में, वो जानना चाहते हैं राहु केतु और शनि कैसे प्रबल हो जाते हैं, कुंडली पर अपना प्रभाव डाल देते हैं, इसका निदान वो जानना चाहते हैं, उपाय क्या है। देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है, सब लोगों के हित का प्रश्न है। राहु केतु और शनि जो तीन ग्रह है, प्रकृति तीनों की अलग अलग है, लेकिन जब शनि डेरा बन जाता है शनि का घर पे, तब राहु केतु भी प्रबल हो जाते हैं, इस बात को मान लीजिए। यानी जब एक के अशुभ होने के कारण से बहुत सारे और भी ग्रह खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है ना, वही स्थिति है। जैसे शनि आपके घर में जब प्रवेश करते हैं तो शनि के संबंध के कारण से आपके घर में जूते चप्पल से संबंध रहता है, समझिए। कभी कभी आप घर के अंदर, हम विभिन्न प्रकार के खराब जूते हुए हैं फिर भी उनको कबाड़ बनाए रखते हैं घर के अंदर, अनयूज टूटे हुए जूते चप्पल भी रखते हैं घर के अंदर, तो इससे क्या होना है, नेगेटिविटी बढ़नी है, शनि का प्रभाव प्रबल होना है। शनि का प्रभाव जब प्रबल होता है तो केतु भी उभरना शुरू हो जाता है, और फिर दोनों ग्रह के प्रबल होते होते कहा जाता है कि जो खराब राहु है उसको ईंधन मिल जाता है। और छोटी सी लापरवाही, देखिए आपकी छोटी सी लापरवाही, आपके घर में भी कबाड़ खोल के देखिए, देखिए कितने जूते जिनका उपयोग आप करते नहीं हैं, हटा दीजिए ना उनको, एकदम हटाने का प्रयास कीजिए, देखिए जीवन में परिवर्तन होगा, उथल पुथल नहीं होगी, शांति के आसार आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जागरूक बनिए, तुरंत खराब जूते जो है चप्पल जो कबाड़ है जो नहीं है उनको रखें, बाकी सबको हटा दीजिए, अपने घर को कबाड़ स्थिति ना बनने दें। मामले करेंगे कल्याणम, हम बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, ग्रस्त जीवन खुशनुमा रहता दिखाई दे रहा है, और जीवन साथी के साथ प्यार बढ़ने के योग बन सकते हैं। आज कामकाज के सिलसिले में थोड़ी असमंजस की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, किस काम को प्राथमिकता दें, किस पे सोचें, आपको पहले से टाइम टेबल बनाना होगा। ट्रैवलिंग हो सकती है, शुभ अंक आपके लिए तीन है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें, एकादशी है, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें। एक सावधान रहेगा, मंत्र गलत खोल देते हैं, ओम नमो नारायणाय, ऐसा नहीं करना है। कई लोग मंत्र जब कहते हैं ओम नारायण ना आए, ऐसा नहीं है, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का इस प्रकार जप करें, कल्याण होगा। मामले करेंगे कल्याण, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन विशेष तौर पर सामान्य फलदायक रहता दिखाई दे रहा है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण लगाना जरूरी है, अंकुश लगा के रखिएगा, इनकम में बढ़ोतरी हल्की हो सकती है, मानसिक तो तनाव जो है थोड़ा परेशान कर सकता है, धन की आवक होती दिखाई दे रही है, विरोधियों को आपका सामना करना पड़ सकता है, ग्रस्त जीवन के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शुभ अंक एक है, नारंगी रंग आपको लाभ देगा, सूर्य जब उदित हो जाए, देखिए हो गए हैं, उनका ध्यान करें, स्नान करने के बाद उन्हें अर्घ दें, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रहों के प्रभाव को हम यदि पहले समझ लें तो उस परिवर्तन के लिए हम तैयार हो जाएं, जब तैयार हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। जब कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हम आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सरल उपाय बता रहे हैं, चिंता ना करें, आपको लाभ प्राप्त होगा, कष्ट दूर होंगे। आप किसी भी शुक्ल पक्ष में, कभी शुक्ल पक्ष होता है ना आजकल चल रहा है, शुभ मुहूर्त में हल्दी और सिंदूर को मिक्स करके गंगा जल मिला बना थोड़ा सा मिला के उसमें पेस्ट बना लीजिए, और दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए, और ऐसा करने से घर के अंदर की नेगेटिव, पुराने जमाने में आपने देखा होगा घर गांव के बाहर घर में ये बनाया जाता था, आज जैसे जैसे हम विकसित हो गए हैं हमने अपनी चीज़ों को भुला दिया है, ये बड़ी चमत्कारी चीज़ें हैं। इसका नेगेटिव प्रभाव जो पड़ता है ना लोगों का, आपकी नज़र का, वो दूर हो जाएगा, इसका ये प्रभाव ऐसी नेगेटिव एनर्जी को निष्क्रिय कर देती हैं सब छोटी छोटी चीज़ें। निर्जला एकादशी का व्रत विशेष तौर पे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है, वही एकादशी है आज, और आज की शुभ तिथि में इसका नाम ही भीमसेन एकादशी है, बड़ी सुंदर कथा शास्त्र में मिलती है। एकादशियों का ये व्रत विशेष तौर पर, वैसे तो हर महीने एकादशी आती है, दो दो एकादशी आती हैं, लेकिन कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने की एकादशी जो निर्जला एकादशी के रूप में की जाती है शुक्ल पक्ष के अंदर, वो सबसे अद्भुत है। पूरे वर्ष में जितनी एकादशियों का महत्व है एक ही, खासतौर पर व्रत रखने से संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। गृहस्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्रत कहा जाता है कि बाकी कोई व्रत रखे ना रखे, कम से कम एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को जगत पारनहार भगवान विष्णु का आशीर्वाद स्वयं प्राप्त होता है। ये व्रत एकादशियों में रखने सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि जब आती है तब व्रत को समाप्त करने का योग बनाया जाता है, यानी 24 घंटे पूरी तरह से निराहार रहते हुए और निर्जल रहते हुए जो व्रत रखते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। कुछ खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उनको करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय बड़ा अद्भुत मुहूर्त बनता है, ऐसे में तुलसी के समक्ष जाकर गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए 11 परिक्रमा तुलसी के लगाने से कहा जाता है समस्त कष्ट दूर होते हैं, सुख शांति की प्राप्ति के योग बनते हैं।
निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक नारियल और बादाम समर्पित करने से आर्थिक तौर पर यदि कष्ट चल रहे हैं तो वो बाधाएं चल रही हैं उनको दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं, मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प बड़े ही प्रसन्न करने वाले होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर में थोड़े तुलसी पत्ते डालकर भोग लगाने से कहा जाता है घर में शांति प्राप्ति के योग बन जाते हैं, फिर उसको वितरण भी कर देना चाहिए। मामे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। सिंह राशि वालों, आज का दिन अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, काम को मजबूती से करते दिखाई दे रहे हैं, मन हर्षित होने के योग बन सकते हैं, लेकिन कार्य में सफलता प्राप्ति करने के योग भी बन रहे हैं आज। भविष्य के बारे में कुछ नया विचार कर सकते हैं। ग्रस्त जीवन के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है, एक दूसरे की बात आसानी से एक दूसरे तक पहुँच सकती है। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। गौ सेवा करें, थोड़ा सा गुड़ लेकर गाय को खिला दीजिए, आपके कष्ट कम होंगे। माम में करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह क्या दिखा रहे हैं जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, भविष्य के बारे में नया विचार होता दिखाई दे रहा है। आज किसी चुनौती से घबराए नहीं, इस बात का ध्यान रखें। काम के सिलसिले में समय अच्छा आएगा, नतीजे आपको अच्छे प्राप्त होंगे। तो हमने सुबह सुबह आपको अच्छी अच्छी खबर दी है, फिर चिंता हटा दीजिए, लग जाइए काम पर। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग आपका लिए भूरा है। जरूरतमंद लोगों में आज शीतल जल का वितरण करना आपके लिए बड़ा पुण्यों को उदय करने वाला होगा। मामे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन अच्छा दिखाई देता है, इनकम बढ़ने के योग बन सकते हैं, ग्रस्त जीवन की समस्याओं को कुछ परेशान करने के योग दिखाई देते हैं, इसलिए आपको शनि महाराज का उपाय करना चाहिए। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। कन्या पूजन करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित होगा। मामे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहे जान लीजिए। अच्छा दिखाई देता है, ग्रह आपके लिए खासतौर पर कामकाज के सिलसिले में अच्छे नतीजे आपको प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से काम करने की जरूरत दिखाई देती है। विरोधी अलर्ट हैं, आपसे ज़्यादा अलर्ट हैं, हम पहले से आपको बता रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, थोड़ा काम कर लीजिए, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद रहेगा। आज पंखों का दान करना, हाथ के पंखे जो हों, कैसे भी पंखे हों, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका दान कीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे। मामे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है ग्रहों का योगा योग जान लीजिए। आने वाले समय में आज का दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, रुके हुए काम बनते दिखाई दे रहे हैं, मन में प्रसन्नता का उदय हो सकता है, इनकम में बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं ग्रह। सेहत बिगड़ सकती है, सावधान रहें, खान पान का ध्यान रखें, ग्रस्त जीवन अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। खरबूजे का दान करना आज की शुभ तिथि में बड़ा ही शुभ रहेगा, बाजार से खरबूजा लीजिए और देखिए सूंघिएगा मत, दान करने से पहले किसी भी चीज़ को सूंघना नहीं चाहिए, उसको दान कर दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी सिद्ध होता दिखाई दे रहा है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, तेजी आती दिखाई दे रही है, मानसिक दबाव जो है आपको परेशान कर सकता है। काम के सिलसिले में आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके कामों की प्रशंसा हो सकती है, ग्रस्त जीवन भी अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। पितरों को नमन करें, उनके निमित्त एक दीपक प्रज्वलित करें पीपल के पेड़ के पास जाकर, शुभ तिथि है, कल्याण के योग बनेंगे, उनका तर्पण भी करिए। मामे करेंगे कल्याण। अब हम बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की। देखिए आप सोचते रह गए और अभी तक हमारे पास एक व्हाट्सएप और आ गया, आप भी नंबर उठाइए फोन को और नंबर भेज दीजिए, हम आपके प्रश्न का समाधान अवश्य देंगे, चिंता ना करें, संकोच त्यागने का प्रयास करें। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं चंचल जी के लिए। उन्होंने अपनी परेशानी लिख के भेजी है, वो लिखते हैं कि उन पर क्रोध बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, नियंत्रण हो ही नहीं पा रहा है, शरीर का विशेष तौर पर उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है शरीर पर। देखिए चिंता ना करें, योग अपनाने का प्रयास कीजिए। हम आपको बता रहे हैं एक आसन जिसका नाम है शशांक आसन। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से इस सुंदर आसन को आपको करके दिखा रहे हैं और इस आसन को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सुंदर तरीके से इसको करने का सुंदर व्यवस्था बना रहे हैं किस प्रकार से करना है। इस आसन को 3-4 बार आप करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये ऐप के माध्यम से आप समझ रहे हैं कैसे वज्रासन में पैर खोल के बैठ जाना है और सामने की तरफ झुकना है सांस छोड़ते हुए। इस आसन को करिए। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपके स्वास्थ्य के लिए पूरे विश्व में योग को पहुंचा दिया है और इसी ऐप के माध्यम से भारत सरकार की तरफ से पूरे विश्व में योग को पहुंचाया जा रहा है। आप भी इन आसन को करके लाभ ले लीजिए। मामे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, खूब मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं जिसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा, अच्छे नतीजे आपके समक्ष आ सकते हैं, आपकी इनकम में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, नए मौके आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, इसलिए रात गई बात गई पुरानी बात भूल जाइए, आज लग जाइए। ग्रस्त जीवन में थोड़ी सावधानी रखिएगा, वहाँ एंजाइटी मत बढ़ाइएगा, आपकी गलती से आपके प्रिय का मन दुखी हो सकता है, इसलिए उनका मन को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। चावल का दान करना आज की शुभ तिथि में कल्याणकारी रहेगा। मामे करेंगे कल्याण। हम बात कर रहे थे मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन मध्यम रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है,
आपके कामकाज पर आप ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं, पहले से सावधान कर रहे हैं। विरोधी थोड़े अलर्ट होते दिखाई दे रहे हैं, आपसे ज़्यादा सक्रिय रहते दिखाई दे रहे हैं। धन की आवक होगी, जीवन साथी को खुश रखने के मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपके लिए मेहरून है, भगवान विष्णु का और खासकर लक्ष्मी जी की पूजा करने का शुभ योग है। ऐसे में उन दोनों की आराधना करके अपने जीवन में सुख का उदय करें। मामे करेंगी कल्याण, हम बात कर लेते हैं हेल्दी टिप की। देखिए हेल्दी टिप के बारे में आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। कई लोगों को कई प्रकार के एडिक्शन होते हैं, उन्हीं में एक एडिक्शन होता है तंबाकू का एडिक्शन। कुछ आसान उपाय हम आपके लिए लेके आए हैं जो आसानी से इस एडिक्शन को आपको दूर कर सकते हैं। तंबाकू की लत बेहद खतरनाक है, माउथ के कैंसर तक के योग बना सकती है। ऐसे में कई प्रकार के योग, दिल के दौरे, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, स्ट्रोक, अनेक प्रकार की समस्याएं, यहाँ तक कि फेफड़े के कैंसर की भी समस्या बन सकती है। तो आज तंबाकू के सेवन को दूर करने के लिए हम कुछ घरेलू टिप आसानी से दूर करने वाली स्थिति आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो एक काम करें, अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें। लत को छोड़ने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि अपने आप को मोटिवेट करें। ये ज्ञान मुद्रा है, ये बहुत अद्भुत रूप से लाभ देगी आपको। बहुत बढ़िया तरीके से दिन में जब भी टाइम मिले इस मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, आपको मोटिवेट करेगी, मौखिक उपदेश देगी, आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा एक एंजाइम रिलीज कर देगी, ऐसा रस को रिलीज कर देगी कि आपके अंदर विशेष तौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। साथ साथ अदरक मिल जाएगी आपके घर में, थोड़ी देर अदरक को अपने मुंह में रखे कीजिए, उसका जो स्वाद होता है, कसैला होता है, धीरे धीरे तंबाकू की तलब को दूर करने में आपको बहुत लाभ देगी। आजकल बाजारों में कई प्रकार की च्युइंग गम्स मिलती हैं और लोग उसको विभिन्न प्रकार से यूज़ करते हैं, उसके फ्लेवर के अनुसार से आपको अपने चुन सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो इस्तेमाल करिए, लेकिन घास बहुत बढ़िया चीज़ है। घास का इस्तेमाल, जो अंकुर, जो जिसको हम दूरवा अंकुर बोलते हैं, गणेश जी को अर्पित करते हैं, थोड़ा सा उसको तोड़ लीजिए और उसकी चटनी बनाकर नित्यपति उसका इस्तेमाल कर लिया कीजिए। वो बहुत अद्भुत चीज़ है, आपके तमाम प्रकार के व्यसनों को ठीक करने में बहुत बढ़िया काम करती है। विभिन्न प्रकार के तंबाकू को ठीक करने के लिए जो तुलसी की बनी हुई चाय होती है, उनका दिन में 3 बार यदि इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अश्वगंधा भी पड़ी हो, साथ साथ दालचीनी का पाउडर हो, जटामासी हो, ऐसी चाय का नित्यपति दिन में सेवन करें। देखिए आपके मनोमस्तिष्क में एक इस प्रकार के एंजाइम को रिलीज करेगी, ऐसे एक्सक्रीशंस को देगी कि आपको स्वतः ही इन सब चीज़ों से निवृत्ति के मन में भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, देखिए बहुत लाभ देने वाली हैं। आपके प्रश्नों के, मन के प्रश्नों का समाधान भी इस कार्यक्रम में हम देंगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में जो भी बातें आपको करनी है हमारे साथ कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम दामोदराय विद्महे रुक्मणी वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्।